का और यहाँ पे सुसू उसू करने का नहीं मिलेगा इधर वाल। मेरा पैसा, मेरी उंगली। ये एक्चुअली मैं हैंगिंग वाला पूरा सर्कल है, देखिए मतलब एक वो कॉर्नर पे वो आयरन है। चले जाए जितने वीआईपी और फाइव स्टार होटल में जाइए, मतलब ये देखिए, ये एक नान है, ये एक सिंगल नान है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग विद ताबिश अली। सो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश, बिल्कुल कह सकते हैं नहाए धोए और ताज़ा व्लॉग में। धूप बहुत तेज हो रही है, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आज कहां आया हुआ हूं, तो एक्चुअली ये एक इनसे कोइंसिडेंट हो गया मेरे साथ में। हम जा रहे हैं दूसरी जगह, बट हमारी जो क्या बोलते हैं फ्लाइट है वो कनेक्टिंग है, और फ्लाइट कनेक्टिंग होने की वजह से हमारा जो लेओवर है वो पूरे 8 घंटे का है। और 8 घंटे का लेओवर होने के चक्कर में मैं जहाँ पर आया हूँ, यहाँ मैं हूँ कलकत्ता में, कोलकाता में। और कोलकाता में आने के बाद में एक बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बोल सकते हो आप उसको, जो मैंने सोचा 8 घंटे में तो मैं उसको बहुत ईजिली कवर कर सकता हूँ। और उसको कवर करने के लिए ही क्या बोलते हैं हम आ गए हैं, और जिसका नाम है, अभी मैं आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाऊंगा और बताऊंगा एक्चुअली हम लोग जा कहाँ रहे हैं, और उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे एक्चुअली क्या है, क्या चीज नहीं है, क्या सब टिकट प्राइसिंग वगैरह और हर चीज बताएंगे आपको। तो मैं टर्न करके आपको दिखाना चाहूंगा अभी जस्ट 2 सेकंड्स में। तो मेरे पीछे That is called बिस्वा बंगला गेट कहा जाता है। और अगर मैं यहाँ पर आने की बात करूँ तो अभी इसके बारे में पूरी बात करेंगे। अगर यहाँ पर आने की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कैब से आ सकते हो, टैक्सी से आ सकते हो, देयर आर सो मेनी बसेस आर गोइंग रूट्स, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। तो ये पूरा जो आप ये गोल सर्कल देख रहे हो ना, ये पूरा एक रेस्टोरेंट है, मतलब ये डाइट करके आप खाना खा सकते हो और इंजॉय कर सकते हैं पूरा व्यू सिटी का। तो अभी हम ऊपर चलेंगे और ऊपर चल के आप लोग को दिखाएंगे कैसा क्या है, बहुत तेज धूप है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अंदर चलते हैं और आप लोग को घुमाते हैं चल के। सो वहाँ पर पीछे आने के बाद उन्होंने बताया वो सामने टिकट काउंटर दिखाई दे रहा है। धूप यार कितनी गंदी वाली है, वो सामने टिकट काउंटर है, वहाँ पर देखते हैं चल के क्या अवेलेबिलिटीज है और कितने का टिकट है क्या है। मैंने तो सुना था कि ऐसा कुछ है कि बफेट सिस्टम वगैरह है, लेकिन वो तो अभी टिकट लेने के बाद में ही पता चलेगा। फिर ऊपर चलते हैं, चेस चियाँ चियाँ। तो ये है, तो ये है इसका टिकट काउंटर। सो ये है इसका क्या बोलते हैं छोटू सा टिकट मिला हुआ है, और ये टिकट ये मिला हुआ, और यहाँ पे अभी जैसा कि टिकट लेने के बाद पता ही चला है कि 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको पर पर्सन पे 500 रुपीज़ स्पेंड करना होगा। और अभी बफे सिस्टम नहीं है यहाँ पर, जिस वक्त हम आए हैं बफे सिस्टम शायद नहीं था, आला कार्ट सिस्टम है, मतलब एज पर द मेन्यू यू हैव टू ऑर्डर द थिंग्स, और वेज एंड नॉन वेज बोथ थिंग्स आर अवेलेबल। तो अभी चलते हैं ये वहाँ पर देख करके, पेमेंट ऊपर ही होगा वहाँ पर से सब, वो देखिए वहाँ पर से जा सकते हैं। वहाँ पे ये छोटी सी चिट्ठी मिली है, अभी ये आगे अंकल जी को दिखाएंगे और ये अंकल जी हमको ऊपर जाने देंगे। ये बैगेज वैगेज वगैरह भी अगर आप ला रहे हैं तो आपके बैगेज वगैरह भी सबमिट हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेने की। नीचे बैगेज काउंटर भी है। थैंक यू। ये अंकल जी हमारा वेट कर रहे हैं लिफ्ट से जाने के। ये साई है। स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। ये सामने रूट गया हुआ है पूरा, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये छोटे छोटे डाइनिंग टेबल्स लगे हुए हैं, लेकिन सन्नाटा है बहुत ज़्यादा, दिन का टाइम है शायद इस वजह से सन्नाटा हो। ये पूरा राउंड सर्कल में ऐसे बना हुआ है। केले जा रहे हैं
कुछ खास ऊंचाई नहीं है, लेकिन गिरने के बाद पता चलेगा कि इतनी ऊंचाई है। इधर वेटिंग रूम टाइप का बना है, क्या बना है ये पूरा राउंड सर्कल। ठीक है ना, अच्छा है। सो ये है बिस्वा बंगला गेट। दिस इज काइंड ऑफ अ वेटिंग रूम, मतलब वेट यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्वेशन डेक टाइप का, यहाँ से इंजॉय करिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ करके यहाँ पे बैठे, बढ़िया इंजॉय करें। फैमिली भी आ सकती है, ऐसा नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आएंगे। अच्छा ये मतलब ये सामने यहाँ से जब उधर से आने पर ये ऐसे दिखाई देता है, ये लिखा हुआ है BISWABANGLF। बाय गॉड मैंने देख के नहीं पढ़ा है, मुझे स्पेलिंग आती थी। ऊपर आने के बाद में ये पता चला है, जैसे नीचे उन्होंने मैडम ने बोला था कि जो है 500 रुपीस पर पर्सन पे आपको स्पेंड करना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि 200 रुपये का यहाँ पर आकर के ऑर्डर कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है कि 1000 रुपीज़ का ही आपको स्पेंड करना है। तो मैंने अभी ऑर्डर कर लिया है, अभी ऑर्डर भी दिखा दें क्या किया है और टेस्ट भी बताएंगे आपको कैसा क्या है। एक्चुअली एक चीज़ है ये कि जो है यहाँ पर मतलब ये वेट को मैनेज करने के लिए या कुछ, तो किचन इसका नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा हुआ है, मतलब नीचे ही है ग्राउंड फ्लोर पर, नीचे से बंद करके खाना ऊपर आता है और मिनिमम 30 मिनट्स लगते हैं खाना आने में, ऐसा यहाँ के सूत्रों से हमको पता चला है। बाकी यहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं, वहाँ से ये नीचे का नज़ारा है और ये सामने पूरी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, बहुत शांति बहुत कूल सा माहौल है। ये आ गया हमारा, क्या वो क्या था ये भाई? चिकन बटर मसाला। एंड दिस इज द नान विच कॉस्ट, ये नान जो है ये 100 रुपीस की ईच नान है और ये है 400 रुपीस का बटर चिकन जिसमें 4 पीसेस मिले हुए हैं। बाकी खा करके बताते हैं टेस्ट क्या है। खाने का टेस्ट ठीक है, आउट ऑफ 10 मतलब 6 to 7 और प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी उतना नहीं है, इसका डबल मतलब ये देखिए, ये एक नान है, ये एक सिंगल नान है 100 रुपीज़। मेरे हिसाब से क्वांटिटी उतनी नहीं है पैसे के अकॉर्डिंग, वन टाइम विजिट है। चले जाए जितने VIP और 5-star होटल में जाइए, खाना तो देसी स्टाइल से ऐसे। मेरा पैसा मेरी उंगली। अभी खाने के बाद में ये आ गया है गेस्ट कमेंट कार्ड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। आज तारीख कितनी है बिस्वा बंगला में आने की? 5/7/2023। एम्बियंस कैसा है? गुड। टेस्ट कैसा है? लेट्स से गुड। प्रेजेंटेशन गुड, सर्विस एफिशिएंसी गुड, वैल्यू फॉर मनी एवरेज। सजेशन इफ एनी, देयर शुड बी समथिंग अट्रैक्टिव इन, नहीं लिखेंगे ऑन द रेस्टोरेंट लिखेंगे which can attract all tourists. Name Tabish Ali. Kaisi ki nahi se kya likhte address
भाई साहब खाना पीना तो खा लिया है, बाकी फीडबैक की बात करूँ तो बस क्या है, बस वही है कि वीव इंजॉय करना है और गोल गोल सर्कल पे घूमना है और बैठ के एक सुकून का खाना खाना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्त फ्रेंड्स के साथ में। तो अच्छी जगह है बट प्राइजिंग, एक प्राइजिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, प्लस टेस्ट भी ओके ओके था। और बाकी हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ पे सूसू करने का नहीं मिलेगा इधर वाल, नीचे से ही करके आओ सब कुछ, यहाँ लगेगी तो नीचे जाने को पड़ेगा भाई, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। देखो सामने से मेट्रो भी गई हुई है और मस्त सी पार्क भी बनी हुई है नीचे, तो अभी थोड़ा सा फोटो खिंचा लेते, पता तो चले बिस्वा बंगला आए हुए हैं। एक चीज़ मतलब ये एक्चुअली में हैंगिंग वाला पूरा सर्कल है, देखिए मतलब एक वो कॉर्नर पे वो आयरन का पिलर बना हुआ है ऐसे करके ऊपर गया हुआ है, एक ये फ्रंट से गया हुआ है उस साइड में, उसके बीच में क्या बोलते हैं पूरा इस तरीके से ये टंगा हुआ है एक तरह से कहा जा सकता है। चीज़ तो अच्छी है, मतलब एक अच्छी चीज़ है, मस्त है, मतलब काइंड ऑफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इसके नीचे से गुजर गया था मैं, तो मैं जा नहीं पाया था, तो इसी वजह से वही चुल्ल मची हुई थी मेरे यहाँ जाने की, तो आज मैंने वो चुल्ल अपनी मिटा ली है। तो मैं कह रहा था कि तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग बिस्वा बंगला गेट का, जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, अभी मैंने पीछे दिखाया, तो टाइम हमारे पास कम था तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि हमारा लेओवर जो है लेओवर के चक्कर में हम लोग यहाँ पर आए और तो मैंने कहा चलो घूम लेते हैं, अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन था, बट ठीक है आउट ऑफ 10 में 7 नंबर दिया जाता है इसको, क्योंकि खाली बस भाई ये सीनरिक व्यू है, खाना आना सब तो मैंने बता ही दिया है। बाकी अगर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ नोट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बाय प्रेसिंग ऑल नोटिफिकेशन अपडेट्स टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।